रामनगर स्थित नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट चिंता जताते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रानीखेत रोड पर दो स्कूटी सवार लोगों को एक प्राइवेट बस ने रौंद दिया था, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस रोड पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बढ़ता अवैध अतिक्रमण है और यहाँ से अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार अधिकारियों ने बैठक बुलाकर जनता से सुझाव मांगे और अतिक्रमण से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन महज यह आश्वासन केवल फाइलों तक सिमट कर रह गया, जिस कारण आए दिन इस मार्ग पर इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस घटना को लेकर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस रोड पर अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां एक और अवैध अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से नगर की यातायात व्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी है, इससे भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज शाम को इस बारे में उनके द्वारा अधिकारियों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को धरातल पर लाने के लिए अगर कोई भी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कल की घटना हुई दुखद घटना है और मैं उन परिवारों को भगवान सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको जो दुख है वो सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये ठीक है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ा है और इतना होते हुए भी इतना अतिक्रमण हटाओ, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। फिर जब सरकार कोई कदम उठाती है, फिर होता है कि सरकार के खिलाफ हमारे ही लोग इस प्रकार से आंदोलित होते हैं। आज उसका परिणाम ये उसी का परिणाम है कि अतिक्रमण हटाने के जो अवैध अतिक्रमण है, जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग करते हैं, आज भी जब ठेले के बगल में ठेला, ठेले के बगल में उसके बगल में फिर जो ग्राहक है वो भी गाड़ी में बैठे बैठे रोड पर खड़ी करके सामान खरीदता है। तो इसके लिए हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, सख्त निर्णय लेने वाले हैं, अधिकारियों से बैठे एक बार अंतिम बार, और कई चीज़ें सुनने में आ रही हैं तो वो बातें भी उनके सामने रखी जाएंगी। इसके लिए मैं आज ही बैठक करने वाला हूँ और जितना भी अतिक्रमण, ये हटेगा अतिक्रमण और सख्ती से हटेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।